राजा ब्रादरान एक और मुश्किल में। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने ख्वाजा ब्रादरान के पासपोर्ट ब्लॉक करने की दरख्वास्त कर दी है। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को पूछताछ के लिए 16 अक्टूबर को भी तलब कर रखा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन फाहद शहबाज और नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद। पहले बात कर लेते हैं राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा तफसीलात के हवाले से। जी सर, पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल में नैब की जानब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। ख्वाजा ब्रादरान जिसमें ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक है, उन्हें नैब ने 16 अक्टूबर को तलब कर रखा है। तहम उससे खबर जो है वो ख्वाजा साद रफीक ने कबल गिरफ्तारी करवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रब्ता किया था। तहम उनको जो उनकी गिरफ्तारी जो कबल गिरफ्तारी मंजूर नहीं। अब रहेगा कहना यह कि नैब ने उनके जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक करने के लिए इमिग्रेशन हुकाम को जो है वो लेटर लिख दिया कि इनके पासपोर्ट जो है ब्लॉक कर दीजिए ताकि ये लोग मुझसे बाहर फरार ना हो सके। इस वजह से लेटर जो है लिख दिया गया है। और इसराइल ने भी इसकी तस्दीक की है कि दोनों भाइयों के पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए डायरेक्ट इमिग्रेशन को लेटर जारी कर दिया गया। इससे खबर नैब की जानब से दोनों भाइयों के नाम ईस्टमेंट में डालने के लिए भी दरख्वास्त दी गई थी। तहम अब उनके नाम तो ईस्टमेंट नहीं डाले गए, लेकिन फौरी तौर पर जो नाम उनके ब्लॉक करने के लिए उनके जो पासपोर्ट है वो डायरेक्ट इमिग्रेशन को दोबारा लेटर लिख दिया गया ताकि दोनों भाइयों से जो मुल्क से फरार की कोशिश है उसे नाकाम बनाया जा सके। जायका कहना यह है कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं दोनों भाइयों की। इस हवाले से उनकी कोशिश यह है कि कबल गिरफ्तारी करवा ली जाए, तो उस हवाले से भी जिसका उन्होंने जनरल कबल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रब्ता किया था। तहम उनकी जो है कबल गिरफ्तारी मंजूर नहीं हुई थी और अब नैब ने जो है लेटर लिख दिया डायरेक्ट इमिग्रेशन को ताकि वो उनके पासपोर्ट जो है ब्लॉक करवाए जा सकेंगे।